हाउ आर यू बच्चों। देखिए आज हिंदी में हम आपको वर्ण पढ़ा रहे हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण का अर्थ होता है अच्छा। और ये वर्ण जो है ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्वर वर्ण, नंबर दो व्यंजन वर्ण। जैसा कि मैं आपको स्वर वर्ण पढ़ा चुकी हूँ लेकिन आप दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा। स्वर वर्ण जिस वर्ण को बोलने में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अप आ इ ई आ। फिर आपका नंबर दो आता है व्यंजन वर्ण। तो आज व्यंजन वर्ण पढ़ाएंगे। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और हम इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? व्यंजन वर्ण का से लेकर ज्ञा तक होता है और क, ये इसमें पांच वर्ग होते हैं का से लेकर मा। ये स्पर्श व्यंजन है। फिर उसके बाद आपका दूसरा अंतस्थ व्यंजन होगा जो या ला ला होगा। फिर आपका उष्म व्यंजन होगा जो बड़ा सा खस्ती सा छोटा सा भाव होगा। फिर आपका संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में आपका छ त्र ज त्र। फिर लेकिन आप मैं फिर आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि व्यंजन वर्ण ये इसके सबसे पहले जो का वर्ग है इसके पांच वर्ग भी होते हैं। का वर्ग में आपका आएगा क ख ग घ अंग। फिर है आपका च वर्ग, दूसरा च वर्ग में आपका च छ ज झ ञ। फिर नंबर तीन है आपका टव, ट ठ ड ढ र। फिर आपका चौथा है पाव, प सॉरी ताव, ता थ द ध न। फिर आपका आता है पावर, प फ ब घ म। ये आपका स्पर्श व्यंजन है। फिर आपका दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आपके चार वर्ण आते हैं य र ल व। ये चार वर्ण जो है अंतस्थ व्यंजन है। फिर उसके बाद तीसरा है आपका उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में आपके बड़ा सा खस्ती सा छोटा सा हा, ये आपका है, ये आपका उष्म व्यंजन है। फिर नंबर चार है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आपका छ त्र य स्र, ये आते हैं और ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं। दो वर्णों के जैसे क और खस्ती सा मिला के आपका छ बनता है। लुक एट द बोर्ड। व्यंजन वर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर एक, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क ख आ, ये सब व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण प्रश्न नंबर दो है, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? आपका उत्तर, वर्ण किसे कहते हैं, सॉरी व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण वो वर्ण होते हैं जो स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प ख व ह म, य र ल व, क्ष ख श ह, छ त्र ज स्र। ये सब व्यंजन वर्ण है। अब आपका नंबर दो आता है, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अब आप देखोगे व्यंजन वर्ण चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं? उसमें है क से म तक के जितने पांच वर्ण हैं ये
वाह, ये चार वर्ण आते हैं। नंबर तीन है उष्म वर्ण, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में बड़ा सा, खस्ती सा, छोटा सा, हा, ये चार वर्ण आते हैं। नंबर चार है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आपका छ, त्र, ज्ञा, ये आपके व्यंजन वर्ण है। क्वेश्चन होमवर्क है, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि व्यंजन वर्ण पहले क्लास में दराजिया से हुई आप लिखोगे। नंबर टू है व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। लिखो तथा याद भी करो, आप अपने नोटबुक में लिखोगे भी और लर्न भी करोगे। थैंक यू।